बॉबी देओल कम रोल है उसका, जो जो आता है ना वहां परफॉर्मेंस। लॉर्ड बॉबी सो लाइक लॉर्ड बॉबी तो बहुत कम थे इसमें। लॉर्ड बॉबी थे ही नहीं बिल्कुल भी। हाँ, तो बोलो बॉबी देओल का रोल इसमें मूवी के अंदर छोटा था, लेकिन मैंने बोला भी था अपने फ्रेंड्स से, हम मूवी देखा था, थोड़ा रोल छोटा है लेकिन दमदार रोल था उसका। थोड़ा सा रोल अगर उसको और मिलता तो मैं भी और इंटरेस्टिंग हो सकती मूवी, क्योंकि मूवी की जो ड्यूरेशन है 3.20 मिनट्स की है, 3 hours 20 minutes की। तो थोड़ा रोल अगर उसको और मिलता तो कुछ और अच्छा इंटरेस्टिंग हो सकता था इसके अंदर। बॉबी देओल का रोल और होना चाहिए था या बिल्कुल, बट जो भी था पावर पैक परफॉर्मेंस ही वेल एंड गुड। बॉबी देओल की जो एंट्रेंस थी ना, जो एंट्री आती है तो लोग उसका वेट कर रहे थे, सब लोग वेट कर रहे थे कि अब, लेकिन जो उसका ना बोला खला, और जो उसकी दो तीन मिनट का जो कम सीन था, जो उसकी बॉडी शेप थी, जो उसका दम था, जो उसका गाड़ी का लुक था, उससे वो ऐसा छा गया, रनवे भारी पड़ सकता था, लेकिन उसको डिलीवरी दी नहीं गई और रोल वो शॉर्ट कर दिया, जल्दी मार दिया उसको, जैसा बचा के भी रख सकते थे। एक उसमें एक जैसे ये रणबीर कपूर दिखाया गया ना, उसको एक पार्ट 2 बना सकते थे, उसका भी एक डुप्लीकेट निकालते और उसको फिर ये भी गूंगा नहीं था, तो जैसे और उसमें मजा आता था। क्योंकि हम ना जब रणबीर कपूर से कंपेयर करते हैं तो उसने बॉबी देओल भी अच्छी एक्टिंग करे, क्योंकि बॉबी देओल फर्स्ट बॉबी देओल हीरो है, लेकिन अब विलन में आ गया, लेकिन चाहते हैं जैसा ना बॉबी देओल और जैसा ग्रो करते हैं और मजा आ जाता। अच्छा, जैसे नॉर्मली बात होती है, एक होता एक्शन, जवान में था खूब एक्शन था, कहीं ना कहीं इमोशन से चूक गई थी। हाँ, ऐसी आप यहाँ पे विलन और जो हीरो दोनों की अपने इमोशन से टच थे, वो ये इसमें बेस्ट पार्ट लगा, दोनों ही अपनी जगह ठीक और मजा आ गया देख के। ऐसी स्टोरी मैं पहले कभी नहीं देखी साउथ में। बॉबी देओल का रोल थोड़ा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और सर उसके डायलॉग भी होने चाहिए थे, बट वो साइलेंट बम की तरह एंड में आया बिना बोले ही, मतलब उसका अलग ही कैरेक्टर था। हाँ, एक सेकंड पार्ट में एक सस्पेंस जो क्रिएट कर रखा है, मे भी शायद उसका जो डमी हो जिसको मार दिया गया है सेकंड पार्ट में, वो जिंदा हो डायलॉग के साथ दोबारा वापस आए। बॉबी देओल के लिए ये है कि बॉबी देओल इज इन न्यू अवतार, ये उसका कमबैक कह सकते हैं। थोड़ी निराश हुई कि बॉबी देओल का सीन और लंबा होना चाहिए था। हाँ, उनका ट्रेलर में ज्यादा प्रेजेंस है कम्पेयर टू द स्क्रीन इन द मूवी, तो हाँ वो डिसअपॉइंटिंग था। तो आपको भी लगता है कि बॉबी देओल और ज्यादा होना चाहिए? ओह यस, एब्सोल्युटली। आई थिंक लाइक आधे लोग तो उसके लिए आ रहे होंगे, एटलीस्ट आई केम फॉर दैट। तो बिजनेस की बात बाद में करेंगे, पहले हम एक्टिंग की बात करें। रणबीर कपूर फाड़ देगा फाड़, शाहरुख खान सखन के हैं बच्चे हैं बच्चे, असली एक्टर रणबीर कपूर, ऐसी एक्टिंग की है कि जो लोग है ना शांत क्लियर। बॉबी देओल कम रोल है उसका, जो जो आता है ना वहाँ परफॉर्मेंस।